सारी तैयारी हो चुकी है, पिस्तौल जेल में आ गया है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वी शुड बी एबल टू स्टार्ट इन नेक्स्ट 10-15 मिनट्स। आइडिया वाज टू स्टार्ट अर्ली अबाउट 5:30 इन द मॉर्निंग, लेकिन लेट हो चुके हैं। एंड नॉट जस्ट लेट, वी आर वेरी बैडली लेट। इट्स अबाउट टू 7 नाउ। लुक्स अनदर 15 मिनट वी शुड बी एबल टू स्टार्ट। क्वाइट सनी मॉर्निंग, हो सकता है थोड़ी गर्मी हो रास्ते में। लेट्स सी हाउ इट गोज। पहली जर्नी है, पहला लॉन्ग राइड है। एक्सपीरियंस अच्छे भी होंगे, ख़राब भी होंगे। प्लान इज़ टू हैव ए हॉल्ट इन लखनऊ। वहाँ हमारा एक बहुत पुराना मित्र है मेरे कॉलेज टाइम का। लखनऊ के स्ट्रीट फूड इन्जॉय करेंगे और रात को उधर ही रुकेंगे। अगेन देन विल स्टार्ट अर्ली मॉर्निंग टुमारो। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। फाइनली इट्स 7:37। अभी हम स्टार्ट हो गए अपने घर से और प्लान तो नहीं एग्जीक्यूट हो पाया 5:00 पर निकलने का, लेकिन चलो 7:37 इज ऑल्सो नॉट बैड। लेट्स स्टार्ट। अभी इतना ट्रैफिक होना नहीं चाहिए। फॉर्चुनेटली प्लान मतलब एक्सपेक्ट तो यही कर रहे हैं कि बाय द टाइम ट्रैफिक स्टार्ट्स वी हिट द आगरा एक्सप्रेसवे। लेट्स सी हाउ इट गोस। रोड तो एज यूजुअल देखिए बहुत शानदार हुई है। दोनों तरफ ग्रीनरी, थोड़ा सा वेदर भी अच्छा होता तो और मज़ा आता। थोड़ा सनी वेदर हो गया है आज। नाइन्टी फाइव तो पता भी नहीं चलता कि आप गाड़ी चला रहे हो। सिटी ट्रैफिक में मेन कारण होती है ये सब रोडों पे थकान की। यू कैन कीप ड्राइविंग फॉर एज लॉन्ग एज यू डोंट फील स्लीपी। ये हम एक पहुंच गए हैं एक फूड कोर्ट में। यहाँ पे हम हल्का फुल्का एक ब्रेकफास्ट लेंगे और सारे ही आउटलेट हैं यहाँ पर, जो जिसको खाना होगा थोड़ा बहुत हम लोग खा के फिर आगे बढ़ेंगे। लेट्स सी क्या देते हैं। अभी धूप की वजह से थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है। यहाँ पे गाड़ी भी पार्क करने की फैसिलिटी है, पार्क कर सकते हैं गाड़ी अच्छे से। अब हल्का फुल्का कुछ हम ब्रेकफास्ट करेंगे। दिस इज द फर्स्ट हॉल्ट व्हेन यू स्टार्ट ऑन दिस आगरा एक्सप्रेसवे। मुझे लगता है दिस वाज अबाउट 30-35 किलोमीटर्स फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड ऑन दिस एक्सप्रेसवे। और आपको पीछे दिख रहा होगा प्रॉपर्टी तो बहुत ही बढ़िया है, बट द सर्विस इज पैथेटिक। आई डिडंट लाइक, आई मीन दिस द फर्स्ट इम्प्रेशन आई एम शेयरिंग विथ यू। सर्विस आई डिडंट लाइक। खाने के बारे में शॉर्टली हम शेयर करेंगे। आई डिड नॉट प्रेफर टू हैव मच। तनु और सीना दोनों अभी इडली उन्होंने खाना पसंद किया। कुल्हड़ चाय वी ऑप्टेड फॉर। देखते हैं कैसा है। आप वो क्वालिटी ऑफ फूड बताएंगे। सर्विस इज एनी विच वेज नॉट इवन एवरेज। प्रॉब्ली वी कुड हैव गॉन देयर इन बिकानो, एट बिकानो एंड सबवे। मुझे लगता है दैट कुड हैव बीन अ बेटर चॉइस, बट या वी एंडेड अप हेयर। बीके कैफे, बर्गर किंग, जॉली गो प्लीज। Out of 10, I would rate it 4. You may opt for Subway and other Bikano guys. Just to present, this is how it is. Sheena Mama
Tanu Junior and Sina enjoying idli. अब ये कैसा इडली? बढ़िया लगा? चलो पास हो गया, क्वालिटी ऑफ फूड में पास हो गया. चाय इज़ ऑल्सो वेरी गुड. सीना चाय नहीं पिएगी? सीना चाय पिएगी? नहीं पिएगी? ओके. हाँ चाय बहुत बढ़िया है, इडली भी पास हो गया है. सो ओनली थिंग लेफ्ट वॉज द सर्विस दैट आई डिडंट लाइक. Otherwise, yeah, you can pay a visit here. वहाँ से आगे बढ़ गए. सीना को, सीना मम्मी को जाना था टॉयलेट, लेकिन that was not in a proper hygiene. So इन्होंने अवॉइड किया. अब अगला पड़ाव देखते हैं. दिख रहा है अगले 2 किलोमीटर पे एक और पब्लिक कन्वीनियंस. तो वहाँ पे जो है टॉयलेट का यूज किया जाएगा. इतना स्मूथ भी वो कानपुर वाले रूट से नहीं जा सकते थे, इतने स्मूथली जा रहे हैं अभी. वो रनिंग ट्रैफिक, लोकल सिटी की ट्रैफिक, मतलब नो वंडर अगर 24 घंटे लग जाते पटना जाने में. अरे इससे इधर से तो पता ही नहीं चल रहा है, जस्ट रनिंग सो स्मूथ. वेलकम टू आगरा इनर रिंग रोड. ये अब एक्सप्रेसवे शुरू हो गया है लखनऊ वाला. अभी हम जस्ट हमने इस एक्सप्रेस वे पर स्टार्ट किया है. शुरू से अब तक हमने 3 टोल क्रॉस किए हैं. अभी तक 3 ही टोल क्रॉस हुए हैं. यह है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे. ये हुई ना बात, मजा आ गया. अभी मेन में नहीं जा रहा, ये शायद कनेक्टिंग रोड होगा. इनका तो जबरदस्त मजे थे, इनके तो मजे हो गए. फर्स्ट क्लास सेट चल रहे. उससे पहले हम एक हॉल्ट लेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, लंच करेंगे. तो वो है 70 किलोमीटर यहाँ से, और हम लोग अभी थोड़ा सा पीछे रेस्ट कर लिया था हमने, और बच्चे तो अभी भी सो रहे हैं. मैं आपको दिखा देती हूँ. बच्चे अभी भी सो रहे हैं पूरा अच्छे से. आज किया सोनेट को हमने यूटिलाइज किया है. फर्स्ट टाइम मुझे लगा है कि हाँ वर्थ पाएंगे ये सोनेट लॉन्ग ड्राइव में. ऐसे लग रहा है कि हाँ बेड साथ में चल रहा है. तो ये एक बढ़िया था, पहले भी था लेकिन हमें शायद पता नहीं था, एक्सप्लोर नहीं किया था. लेकिन जो है इस बार पूरा अच्छे से यूटिलाइज हुआ है किया सोनेट. थैंक्स किया सोनेट.
लो। समझ गया क्या हुआ? मैंने नहीं किया था। अब हम पहुंच गए हैं उस हॉल्ट पे। थोड़ा हमने कुछ खा पी लिया है, लंच कर लिया है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ही। ये फूड कोर्ट टाइप का है, यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, मतलब सब कुछ जो भी खाना हो, हल्का फुल्का, चाट है, पिज्ज़ा वगैरह, चाय, कॉफ़ी, राजमा चावल वगैरह, ये सब यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। प्राइजेस तो नो डाउट डबल है। दिखा देती हूँ इसको भी। वेदर ने सपोर्ट नहीं किया हमारी जर्नी में। फाइनली द हंट फॉर अ प्रॉपर होटल हैज कम टू एन एंड। एक ठीक ठाक होटल मिल गया हमें और हमारे रूट पे ही। सो यहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इज जस्ट अबाउट 1.5 किलोमीटर्स। सो सुबह उठे सब नथिंग टू डू विद द सिटी ट्रैफिक, हम लोग सीधा पूर्वांचल एक्सप्रेस पर पकड़ लेंगे। और अभी हाँ, प्लान ये है कि फ्रेश होके थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग जो है स्ट्रीट फूड खाने चलेंगे। दिस होटल दिस क्वाइट डिसेंट होटल आई कैन टेल यू। मतलब फर्स्ट लेट मी गिव यू अ क्विक लुक। दिस इज वेयर यू एंटर फ्रॉम। गुड स्पायर स्पेस closet for your luggage. You cannot expect much, you know, from 1500. I guess this is the best deal I could make. हाँ, टीवी यूनिट से टीवी गायब है, बस टीवी यूनिट दिख रहा है और रेस्ट ऑल थिंग्स फाइन, ओनली ठीक ठाक बेड का साइज है एंड लुक्स क्लीन ऑल्सो। इन्होंने फ्रिज तो नहीं रखा, जो देख लें खाली है, ये भी खाली है। इसका नाम है यस फॉरगॉट टू शेयर शिमला कॉम्प्लेक्स, शिमला रिसॉर्ट। यहाँ से आप थोड़ा और सीधा जाएंगे तो HCL सिटी आ जाता है। होटल में थोड़ा फ्रेश होने के बाद मेरी आवाज़ है, होटल फ्रेश होने के बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। हमारे होटल के पास ही एक मॉल है, लुलू मॉल, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा मॉल लोग बोलते हैं। तो हमने सोचा यहाँ
यहीं थोड़ा सा घूमाते हैं। हालांकि हमारे पास अंदर मेन सिटी में जाने का तो अभी टाइम नहीं है, मेन सिटी में जाने के लिए हमें 2-2.5 घंटा लग जाता, तो इसलिए हमने सोचा यही पास के मॉल में ही हम लोग घूम लेते हैं। लखनऊ आए हैं तो कुछ ना कुछ तो घूम के ही जाएँ, यहाँ का बिना घूमे तो ऐसा लगेगा। तो ये है वहाँ का सबसे बड़ा मॉल, मिनी मॉल, और मैं आपको दिखाती रहूँगी ये सब। बहुत ही अच्छा अपना हुआ है ये, वेरी नाइस। It seriously is huge, I tell you. It's like DLF, Emporio, Ambience and Promenade put together. This also is same, I guess. And they do maintain it. But surprisingly, I just asked, you won't find even a single bar in this mall, not even one shop. Good morning, guys. Hotel वालों ने अभी तक हमें breakfast नहीं दिया है. Looks another 15-20 minutes they'll take. हम लोग ready हैं निकलने के लिए. It's time. It's about 7:30 now. 7:40 now. एंड यहाँ तिरुवांचल पे चढ़ने से पहले, जैसा कि बाकी के भाइयों ने रेकमेंड किया कि भाई तेल लेके ही चढ़ना, तो हमें तेल लेके ही चढ़ना है तिरुवांचल पे, और ब्रेकफास्ट भी एटलीस्ट बच्चे हेवी से कर लें, क्योंकि उस पर मिलना नहीं मिलना पता नहीं। 8:30 बज रहे हैं, ये पूर्वांचल पे अभी हम चढ़े हैं। लोगों ने कहा है कि कुछ कुछ ढाबे खुल गए हैं, ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं हुआ, जस्ट ब्रेड बटर ही किया हमने, अच्छा है। कॉम्प्लीमेंट्री एज पार्ट ऑफ द होटल टैरिफ। ये भी काफी स्मूथ लग रहा है। यहाँ से मेरा घर 491 किलोमीटर लग रहा है। क्या चौड़ा भी है? 491 किलोमीटर, तो रिलेटिवली आज का राइड थोड़ा कम है, कल के डिस्टेंस से। लेकिन आज टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जब हम एक्सप्रेस वे उतरेंगे वहाँ से रोड जो है हम वेलकम टू बिहार वाला फीलिंग देने वाला है। Thank you.
पीटा पहुंच गया हम नॉर्मल बीटा पहुंच गए हम लोग। अब बस थोड़ी सी देर में हम पटना पहुंच जाएंगे, एक डेढ़ घंटा मैक्सिमम पटना हम पहुंच जाएंगे। फाइनली पहुंच गए हम अपने डेस्टिनेशन पे पटना। रुकते रुकाते बड़ा पाव खाते आपके साथ सफ़र अपना शेयर करते करते थोड़ा मन लगा रहा लेकिन अब आया जा सकता है रोड से, रोड की कनेक्टिविटी अब काफ़ी अच्छी है। तो मैं भी थोड़ी सी रिलक्टेंट थी आने में रोड से, लेकिन नई कनेक्टिविटी इज क्वाइट गुड। बट लेकिन हाँ ठीक है, हर थोड़ा सा हरासमेंट फैक्टर तो है ही, हरासमेंट बहुत थोड़ा होता है। एक तो गर्मी बहुत है, उससे भी हरासमेंट हो रहा है। बाकी रोड तो बहुत अच्छी है, रोड की साइड से कोई कंप्लेंट नहीं है। बाकी चलो सफ़र अच्छा था।